दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टी आर एस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है सर बहुत कुछ पूछना है आपसे आपके पापा एक क्रिकेट की दुनिया के लेजेंडरी मेंटर हैं कोच हैं बचपन में आपने सचिन तेंदुलकर के साथ भी खेला है हाँ हाँ सचिन और मैंने तो एक्चुअली साथ में ही स्टार्ट किया था क्रिकेट okay. जो हम आ, पहली बार हम हमारी मुलाकात हुई थी वो बॉम्बे अंडर 15 के सिलेक्शन ट्रायल्स में हुई थी और तभी यू you नो know, हमने एक दूसरे से इंट्रोड्यूस काइंड uh, ऑफ kind of, uh, करवा लिए uh, करवा लिया और फिर साथ में बस में यू uh, नो you know, शिवाजी पार्क वापस गए तब से जो दोस्ती है वो अभी अभी भी है मैंने जब भी उसको पहले दो तीन बार देखा मैंने बोला यार ये तो अलग ही प्लेयर है क्यों ग्रेट क्वेश्चन क्यों बिकॉज़ एक बैट्समैनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जजमेंट ऑफ लेंथ Uh, कि जब भी बॉल छूटता है बॉलर के हाथ में से वो बैट्समैन की जो इंट्यूशन स्किल प्रैक्टिस ये जो अलग अलग फैक्टर्स है वो एक मिश्रण में आ ज, आ जाता है और वो लेंथ जज कर लेता है तो सचिन तेंडुलकर ने लाइफ भर करियर भर आई डोंट थिंक एक हाथ पे आप उसके मिस्टेक्स लेंथ जजमेंट के मिस्टेक्स देख की तो वो मैंने पकड़ लिया मतलब गली क्रिकेट से हर किसी की शुरुआत होती है फिर कोचिंग होती है आप वो इंट्यूशन जो, वो जो है एट द एंड ऑफ द डे जो हम यू नो मेडिटेशन में उसे सुष्टी बोलते जी कि जो आप, आपके पास दी गई है यू you नो know, तो वो तो है और लेकिन हाँ तो गोइंग बैक टू इट वो वो दस साल का था मैं ग्यारह साल का था और तब से हमारी फ्रेंडशिप है उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी तब तो? बहुत ही बहुत ही पैशनेट बहुत मिस्चिवियस बहुत मिशिवियस अभी भी है और एक क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा प्रेम पहले से और बैटिंग तो छोड़ो उसकी मैं तो बोलता हूँ कि उसके बॉलिंग में भी बहुत ही ट्रिमेंडस अमाउंट का टैलेंट था उसका जो गूगली था वो रेगुलरली लेग स्पिन नहीं डालता था अब लेकिन उसका जो गुगली था मैं बोलूँगा वर्ल्ड कप बेस्ट गुगली अभी भी नो बडी कूड रीड इट यू नो तो एंड फील्डिंग प्रॉबली द बेस्ट थ्रोइंग आम टीम में वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स क्लोज इन का हो या सर्कल में का हो या बाउंड्री राइडर का हो ही वो जो उनका जन्म हुआ है वो क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है इट्स एज सिंपल एज दैट और उससे ज़्यादा मुझे क्या अच्छा लगता है सचिन के बारे में कि मैं उसके कैप्टनसी के अंडर खिलाऊँ और मैंने ऑलवेज़ कहा है कि उसे जो कैप्टनसी के लिए जो उसे अकनोलिजमेंट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली कभी ऑलवेज़ पब्लिक ने कहा कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है लेकिन ये कैप्टन ठीक ठाक है नहीं वो बहुत अच्छा कैप्टन था बहुत प्लेयर्स कैप्टन था वो और वही मैं एक और लेयर उसके पर्सनालिटी की वो थी कि इतना हेल्पफुल बंदा टीम के लिए आज रणवीर मैं बोल रहा हूँ कि आप यूवी से लेके वीरू या रोहित या विराट को पूछो कि पाजी ने आपके आपके लिए क्या कंट्रीब्यूशन था आपके गेम में और वो बहुत बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन होगा बिकॉज उसने सेल्फलेसली दी है दिया है खुद को वो ड्रेसिंग रूम में जो एक्सपीरियंस शेयरिंग जो नॉलेज ट्रांसफर हम बोलते हैं वो सचिन वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन वो एक स्टूडेंट ऑफ़ द गेम रहे थे बचपन से बिल्कुल और अभी भी है वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो वो पूरा पैकेज ही उसके पास है वो यू नो सो टुडे आई थिंक वो जो मैच रीड करता है या जो वो प्लेयर को रीड करता है अभी आई थिंक सेकंड टू नन मतलब आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है पर ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जहां आप अब उनसे मिलते हो और वो कहते कि ये प्लेयर का करियर ऐसा जाएगा या ऐसे कुछ होगा इसके करियर में आई थिंक uh, करियर के बारे में तो बात नहीं करते लेकिन टैलेंट के बारे में बात करते okay. कि ये प्लेयर ना बहुत जतिन है बहुत बड़ा प्लेयर है ये जिसको देख ले तो okay. uh, गेम सिचुएशनल रीडिंग hmm. कि यार अभी ये ना ये ऐसे करेगा यार ये इसका फील्डिंग ना ये ऐसे ऐसे करेगा इनको ऐसे करना है कि अभी और मैच का रीडिंग कि अभी मैच चल रही है ऑस्ट्रेलिया में कुकबरा बॉल है जी। तो ये ऑलरेडी हो गए टेस्ट मैच चल रही है अभी ना जाते होगा थोड़ा तो अभी ये ज्यादा हिलेगा नहीं तो अभी नेक्स्ट तीन चार घंटे बेस्ट बैटिंग का टाइम है तो ये पूरा इट इट जस्ट कम्स वेरी नेचुरल दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्ले देख लीजिए ऐसे ही वीडियो आपको वहां भी मिलेंगे और डेफिनेटली क्लिप्स हिंदी को Subscribe. kasih